मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ टुडे टॉपिक इज असाइनमेंट सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक। क्लास 11th का असाइनमेंट वा दे रहे हैं सॉल्यूशन, समझे कि नहीं, जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव। वाह, बहुत हुल्का है, एक बार अगर देख लीजिएगा ना राजा, फुल मजा आता है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। कर दें। देखिए पहला क्वेश्चन में प्यारे बच्चों लिखा हुआ है कि 162 डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात करें। दैट मीन्स यहाँ लिखा हुआ है 162 डिग्री वैन मेजर्ड इन रेडियन, मतलब कुछ ना डिग्री में दिया हुआ है, रेडियन में ले जाना है। डिग्री में दिया हुआ है, रेड वन में ले जाना है। चलो रेड वन में ले चलते हैं। कैसे, आपको बताए थे प्यारे बच्चों, डिग्री से रेडियन में ले जाने के लिए किससे गुना करते हैं? भाई 180 से। ये बात तो अपने लोग जानबे करते हैं। अब काटने आता है, किसी से शुरू कर दीजिए, काटने नहीं आएगा तो काटिए ना। काटना शुरू करो, 2 से 2 8 16 81 कट गया, 2 से 90 अबरी से कटेगा, 9 81 नना गलो 85, तो 9 π/10 लिखासी, आंसर यही तो 80, 9 π/10 राइट आंसर इज द बी। ए के बाद क्या होता है, बी, समझ गई, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि सर काटने में दिक्कत हो रहा था, कोई बात नहीं। जब नहीं समझ में आया ना, सबसे जीरो लेवल से काटिए, दुख कहाँ से स्टार्ट कीजिए, नहीं करते हो तो अब 3 कहाँ से स्टार्ट कीजिए। अपना लोग बचपनों में पढ़े थी बात, सही बात है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इस बार देखिए ऑटोमेटिक समझिए। एगो कच्चा रसगुल्ला है, एगो पक्का। कच्चा खा लेंगे तो पत्ता में क्या बचेगा, पक्का। तो इसमें देखिए डिग्री में था तो रेडियनवा में ले गए, अब रेडियनवा है तो कौन चीज में। कभी कभी क्वेश्चन को देख के कि भी आपको एडजस्ट करना होता है, किस में ले जाना है, डिग्री में तो रेडियन में, रेडियन में तो डिग्री में, तो इसको ले जाना है अभी डिग्री में। वो कहता टिकरी में, टिकरी ना डिग्री में, ये एक नंबर था। अब आइए क्वेश्चन वहाँ नंबर 2 लेके आते हैं। एक नंबर का ये सॉल्यूशन था, 2 नंबर देखिए 8π/5। अब आपको बताता कि डिग्री से जब रेडियन में गए थे तो पाई बाय 180, जब इसको घोलटाए तो इसको भी उल्टाए थे, तो 180 बाय पाए। ध्यान दीजिएगा, पाए से पाए जाए, कोई दिक्कत है? 5 × 3 = 15, 6 बच गया शेष, 3 बच गया शेष, 5 × 6 = 30, खत्म हो गया। अब करिए 8 × 6 = 48 के हाथ, हाथ में बचलो 4, 8 × 3 = 24, 4 = 28, दैट मीन्स 288 डिग्री पर मार धराक से, टिक धराक से मार धराक से सी, कोई दिक्कत नहीं। बाबू हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप नोट करते जाएंगे, और नोट अगर मान लीजिए आपसे कहीं बाय मिस्टेक नोट नहीं हुआ तो यू डोंट टेक टेंशन, है उकर बिकाऊ जाइए मत थे, हाँ बिकाऊ जाइए मत थे, इसका PDF भी देंगे, टेंशन नहीं लेना है, समझे कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1-2 हो चुका है बच्चों, तो अब क्या होगा, 3। जरा 3 नंबर एक बार क्वेश्चन वहाँ को पढ़िए। सर जी तो बहुत भारी लग रहा है, हमको पता है तुमको भारी काहे लग रहा है। तुम सोच रहा है इंग्लिश में लिखा है ना सेंट्रल एंगल, ये क्या होता है सर जी, हिंदियों में दिए हैं, किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोण। अबरी आप नहीं छोड़ सकते हैं मैथमेटिक्स को, क्योंकि एक बात की बात है, कहते हैं सफलता में अब भाषा नहीं बनेगी बाधा, यही है मेरा वादा। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम एक साथ आ जा, क्लियर है? चलिए स्टार्ट मारते हैं। तो किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोण 45, आप ऑटोमेटिक समझ लीजिए कौन बना, इसका मतलब थुट्टा, कौन जी, ये कहता थुट्टा, थुट्टा नहीं थिट्टा बोलते उसको, थुट्टा बोलता है दौर तेरी। और क्या कहता है, एंड इंटरसेप्ट एन आर्क लेंथ 30, वही पे दिया कि चाप की लंबाई 33 भी है, तो एल का मान 33 सेंटीमीटर, तो कहता है वृत्त की तिजरिया ज्ञात कर, तिजरिया नहीं त्रिज्या ज्ञात करें, दैट मीन्स आर। अपना लोग बताए थे याद कीजिए 15-20 साल पहले, एल बराबर आर थीटा, यस सर, तो आर बराबर का लिखेंगे बउआ, एल बाय थीटा, यही नहीं करेंगे, यहाँ पे आर छोड़ेंगे, थीटा इधर आएंगे। अब आर के जगह आर, एल का मान 33, आई 45 दिया, 45 को जानते हैं रेडियनवा में बदल लीजिएगा, और रेडियनवा में होता है पाई बाय 4 रेडियन, आप याद कीजिएगा, यहाँ पर रखेंगे पाई बाय 4, कुछ नहीं करेंगे बाबा, इसको उल्टा के जब घोलटाएंगे ना तो 33 × 4/π, अब पाई का मान कह रहा है कितना डिग्री यूज करें, 22/7 यूज करिए, 33 × 4 इतने लेंगे 22/7, इसको फिर से उल्टाइए, 33 × 4 × 7/22, 11 × 11 = 22, 11 × 3 अब फिर से 2 × 2 = 3, 3 × 7 = 42 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर। आइए ऑप्शन देखिए, राइट आंसर इज द सी, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर कितना, 4। एकदम जैसा 3 बनाए ना
टार सीएम है, टार नहीं चार, चार सीएम है। कहिए कैसे, कहता है रेडियस 14। देखिए आपको हम पहले बताते हैं, आपको जब क्वेश्चन इंग्लिश में रहे ना, आप डुरिए नहीं, डुरिए नहीं, डरिए नहीं, आपने एक बार सोचिए, अरे क्या इंग्लिश भगवान थोड़ा आएगा ऊपर से करने के लिए, अलग विद्यार्थी आता है, आप ही में से बहुत बेहतर है, बस खाली आप लोग डरते जो है ना, डरना नहीं है, क्योंकि हम आपको पहले ही बोले थे आप सब बेहतर हैं, बस बेहतरीन बनने के लिए आपको मेहनत करना है। क्लियर है, इस पर एक लाइन कर दे क्या, कहते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। समझे कि नहीं, तो आप अपना वो पत्थर शीशा बनाइए कि पत्थर को तोड़ दे, और उस शीशा का नाम हम बता देंगे आपको, किसी को नहीं बोलिएगा, दिस इज कॉल्ड ए डायमंड, जो कि कुछ को उड़ा सकता है। समझे कि नहीं, आइए स्टार्ट मारते हैं। इसमें दिया है रेडियस का नाम 14 सेंटीमीटर। अब आइए एंगल दिया है, सबटेंडेंट एंगल 36 डिग्री, इसका मतलब थीटा का मान दिया है 36 डिग्री। अब कहता है द लेंथ ऑफ आर्क, हिंदी मीडियम में फिर से समझिए, किसी वृत्त की त्रिज्या 14 तथा केंद्र पर बने कोण 36 तथा चाप की लंबाई ज्ञात करें। कुछ हुआ नहीं बचा, एल बराबर अभी अभी पढ़े थे ना अपना लोग, आर गो थीटा, अब खाली थीटा को बदल लीजिए रेडियन में, काहे क्योंकि ई रहता है सेंटीमीटर में, क्योंकि यूनिट लेस मल्टीप्लाई होगा तब ये सेंटीमीटर में एल निकलेगा, समझे कि नहीं, इसीलिए 36 अगुना पाई बाय 180। आपको बताए थे ना 36 का 36 36 पंचाय 180 दैट इज पाई बाय 5। आइए गुना करते हैं, आर का मान 14, इसका मान पाई बाय 5। अब आपका मन है कि पाई का मान यूज करें तो कर जाइए पाई का मान यूज, कोई बात नहीं, 14 गुना 22 बट्टे 7 है, यही 5 को इधर खींच के देते हैं पास। क्लियर, 7 का 7 7 दूना 14 22 दूना 44 44 को 5 से भाग दीजिए, ऐसे नहीं भाग देते, ऐसे भाग देते, 5 8 40 बच गलो 4 एगो दशमलव 4 आ फिर 0 गलो फिर 5 8 40 मतलब 8.8। अब खोज 8.8 कौन में, राइट आंसर इज द सी, कोई दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत नहीं है तो देखिए हर एक चीज़ पेशेंस रखिए। हम आपको एक बात बोले थे कि अगर आपके अंदर संयम रहेगा और आप एरे मैथमेटिक्स ज्वाइन करके रखिए, हम आपको चैलेंज करते हैं इस बात के, तो कितनों बड़ा दुटंगा गधा है तो रस्सीधा हम कर सकते हैं, खाली जोर घटा गुना भाग सीख के, बाकी इलाका तेरा होगा तो धमाका भी तेरा होगा। समझे कि नहीं, तो चलिए पहले इतना को तब तक उतारिए, और तब तक कर रहे हो विचार जल्दी से उतार। रो बाबा किधर गई थी, पानी पूरी पीने के लिए, पानी पूरी नहीं रे, पानी पूरी पीने के लिए, चाय चू पी के रेडी। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या कहना पता है, कहता है एगो पेंडुलम है, इस रहेंगे आप सोच रहे होंगे पेंडुलम का होता है, पेंडुलम जानते होंगे लेकिन हे जो लिखा हुआ है दोलायमान, इसमें बड़ा टेंशन होता होगा ये दोलायमान क्या है, लेकिन ये पेंडुलम आप जानते होंगे, समझिए क्या होता है पेंडुलम। आप याद कीजिए 15-20 साल पहले की बात है, 15-20 साल नहीं इधर की बात है, अपना लोग जो है ना एगो घड़ी बनाए थे, और इस घड़ी में कुछ नहीं किए, यहाँ ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, बहुत राजा मजा है, घड़ी में एक इस तरह से लटका हुआ होता था हैंगिंग क्या हुआ, और वो घंटा में एक बार मारता है ऐसे करके टर्न, याद आया, तो वही है पेंडुलम। अब एक बार जो मारता था घंटा वही कहता है एक पेंडुलम स्विंग आर्क लेंथ ऑफ 42 यहाँ से यहाँ तक जो पेंडुलम चलता है तो उसका थीटा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर पाँच में थीटा दिया हुआ है 42 डिग्री। थीटा कितना प्यारे बच्चों, 42 डिग्री, और केंद्र पर बनता है चाप की लंबाई 55। यहाँ से यहाँ तक जो गया प्यारे बच्चों, एल का दे दिया 55, कितना दे दिया 55। तब पूछ क्या रहा है, यहाँ ध्यान देंगे, ए पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एंगल 42 डिग्री, डिस्क्राइब एंड आर्क लेंथ इतना, द लेंथ ऑफ पेंडुलम, कुछ नहीं कर रहा है, जानते हैं क्या कर रहा है, आर बताइए, ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ ऑफ पेंडुलम पूछ रहा था, यही ना रेडियस होता था, समझे कि नहीं, तो एकदम बता देंगे, एकदम सही है, यहाँ देखिए हिंदी मीडियम भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज, यहाँ भी तो वही लिखा हुआ है कि एक दोलायमान दोलक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में 42 डिग्री का कोण बनता है तथा चाप की लंबाई 55 हो तो दोलायमान के दोलक की लंबाई, वही हुआ दोलायमान का दोलक, समझे कि नहीं, दोलायमान, अरे पेंडुलम की लेंथ चाह रहा है आर, तो कुछ हो बचा इसमें, आपको बताए थे एल बराबर आर थीटा, इसका मतलब आर बराबर एल बटा थीटा, एल बटा
थीटा, एल का मान 55, अब इसको जरा बदल लीजिए रेडियन में, 42 गुना पाई बाय 180, बोलो समझिंग, 6 × 7 = 42, 6 × 3 = 18, 7 π/30, यहाँ पे लाइए 55 / 7 π/30, यहाँ पे पाई होगा प्यारे बच्चों पाई। चलिए ध्यान दीजिए, इसको जरा उल्टा है तो जगह 55 × 30 बटे 7 अपाय, अपाय का मान दिया हुआ है 22/7, लगाइए ना 22/7, कोई दुख तो है, इस 7 से 7 साफ, 11 × 2 = 22, 11 × 5 = 55, 2 × 15 तो 15 × 5 = 75, याद कीजिए के बारे 15 × 5 = 75, खोजिए किसमें है, तो 75 जो दिया हुआ है प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर सी। यहाँ पे फाइनल आंसर आपका मिल गया 75, कितना प्यारे बच्चों 75 सेंटीमीटर, यही आपका फाइनल आंसर है, क्लियर। चलिए तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ भी थोड़ा मूव कर ले, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 भी समझना उतना ही जरूरी है जितना 5 समझना जरूरी था। ध्यान दीजिए 6 के लिए, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए इस टाइप का एक दो क्वेश्चन जब आप बना लीजिएगा आपको लैंग्वेज में भी पकड़ चल जाएगा कि वो पूछता क्या है, खाली सोचना है, दिया क्या है वो सोचना है। आप जो सोचेगा नहीं सर जी इंग्लिश मीडियम प्रॉब्लम कर रहा, इंग्लिश मीडियम प्रॉब्लम नहीं करता है, चाहे हिंदू मीडियम प्रॉब्लम नहीं करता है, ना तो हिंदी प्रॉब्लम है ना तो इंग्लिश प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आप खुद हैं, अगर आपकी सोच बदल जाए प्रॉब्लम खत्म, इंग्लिश हिंदी की कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो बाबा यहाँ तो आप कर लीजिएगा खाली हिंदू मीडियम से, हिंदू ना हिंदी मीडियम से, बाद में आपको खाली इंग्लिश मीडियम प्रॉब्लम करेगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन इंग्लिश को सीखने की कोशिश करते रहिए, इससे आपको बेहतर होते जाएंगे आप भी। चलिए फिलहाल आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, द रेडियस ऑफ सर्किल इज 30, रेडियस 30 दिया, इसका मतलब लिख लेंगे आर का मान 30, आर का मान 30, और क्या कहता है लेंथ ऑफ आर्क कोड इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब जरा ध्यान दीजिए, पहले डायग्राम को बना देते हैं, समझना आपके लिए वेरी आसान, ध्यान दीजिए कैसे, बोर्ड पर ध्यान, कहता है कि यही है सेंटर, यहाँ से यहाँ तक का 30 है, ये भी 30 है, और क्या कह रहा है द रेडियस ऑफ सर्किल इज 30, लेंथ ऑफ आर्क चाहिए, आर इसका मतलब वो एल मांग रहा है, क्या मांग रहा है बुआ एल। अब इसमें ये दिया है हुज कोड इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, कोड मतलब होता है जीवा, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ देखिए ना एक 30, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर और एक जीवा जिसकी 30 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक जो होता है बाबू इसी को बोलते हैं कोड, हिंदी में जीवा, ये भी 30, आपको ये नहीं लगता ये 30 30 30 है तो कोई समोसा बन के बाहर आने वाला है, जिसको समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं, तो चलिए वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग डिजाइन करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ये बना, और ध्यान से देखिएगा अगर ये 30 आ ये भी 30 आ ये भी 30 तो इसका मतलब कौन भी 60 60 60, आप ये बात जानते हैं अगर तीनों साइड बराबर है तीनों एंगल भी बराबर होगा, इसका मतलब थीटा का मान हो गया 60, 60 का मतलब पाई बाय 3, 60 का मतलब पाई बाय 3, एल निकालना था, एल बराबर आर थीटा, आर का मान 30, थीटा का मान पाई बाय 3, 3 से 10 टेन पाए आंसर आए, यह तो आगे बढ़ा है, राइट आंसर कौन निकलो और कौन निकलो जा, इसका ऑप्शन कट गया है तो ऑप्शन आपको 10 π लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है बच्चों, तो ध्यान देंगे 6 का आंसर आपका 10 π आएगा, आप अपने ऑप्शन में देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखिए इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बने और जिसका कॉन्सेप्ट हमने आपको नहीं दिया, बस करना क्या होता है हर क्वेश्चन को बनाने से पहले 1-2 मिनट आप उसके बारे में सोचे, अरे तोरा हम कौन सुतूर लगा भी हो? अच्छा पूछते हैं, अगर आपको सभी फॉर्मूला याद रहना तो मेरी एक गारंटी है क्वेश्चन देखने के बाद अपने याद आता है धर धर आके, इसीलिए आप खाली फॉर्मूला आप कमांड कीजिए, बाकी हम पे छोड़ दीजिए, मैनेज तो हम कर ही लेंगे। इदिया कौशैक, ध्यान दीजिए सॉरी कौशैक नहीं कॉस 41 π/4, 41 π/4 याद कीजिए, अपना लोग भीन का जोर सीखे थे, भीन का जोर सिखाए थे ना, इसको बताए थे कॉस 10 π + π/4, कहिएगा सर कैसे कर लेते हैं 41 को 4 से भाग दिया 10 × 40 नहीं होता है, लघुत्तम लेंगे 1 4 10 × 40 41 हो जाएगा। चलिए फिलहाल उसको हटाते हैं और बताते हैं आपको एक फॉर्मूला बताए थे प्यारे बच्चों, कॉस एन पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला -1 n cos θ, ये आपको बताए थे, जहां पर इसमें n है n के जगह 10, जहां पे n है n के जगह 10, यानी कि 10 π मत बोल, गुस्सा जब उतर आप
एन के जगह खाली बोलना है, एन के बगल पाई के बगल में एन तो पाई के बगल में दस, तो एन का मान दस। और जहाँ थीटा है थीटा के जगह पाई बाय फोर, एन के जगह दस थीटा के जगह पाई बाय फोर, एन के जगह दस थीटा के जगह पाई बाय फोर, तो इसी सूत्र में रख देंगे एन के जगह दस थीटा के जगह पाई बाय फोर। बोलो हाँ, माइनस वन के पावर दस का मान वन, और कॉस पैंतालीस का मान आप जानते हैं, एक बटा रूट दो गुना कर लो। और जरा आंसर कौन हे बेलो, आप बताओ कौन ए है, कैसे ए है, अब्बा ए है नहीं बोलना है, ए बोलना है, राइट आंसर इ ए, ए है नहीं बोलिएगा गड़बड़ हो जाएगा। फिर होली के लिए कुछ बचा के रखिए ए को। आइए आठ नंबर, आठ नंबर का कह रहा जानते हैं, बहुत हुलका है आठ, हे भगवान ये तो जुलूम भै जो। आपको हम बताए थे सेक सिक्स पाई का मान निकालने बोल रहा है, कुछ नहीं यार बाबा, आपको बताए थे कॉस एन पाई बराबर माइनस वन के पावर एन, माइनस वन के पावर एन, sec 6 पाई को अगर आप चाहिएगा तो 1 बाय cos 6 पाई लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। हाउ, तो माइनस वन यहाँ पे 1 रहने दीजिए, जहाँ पे इसमें n है n के जगह 6, जहाँ पे n है n के जगह 6, ये उधर कहते हैं n के जगह 6 पाई मत बोलो हम रूस जाएंगे, n के जगह 6, तो जब यहाँ पे रखेंगे माइनस वन के पावर 6, तो 1 और माइनस वन के पावर कोई भी सम संख्या इवन नंबर रहेगा तो 1 होता है, 1 बाय 1 बराबर 1 होता है, यही तो आंसर मन मन होता है, राइट आंसर इज द, फिर से एहे, फिर से देख लें तो राइट आंसर इज एहे, कोई दिक्कत है। अगला चले नौ, चलिए नौ नंबर की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों, नौ नंबर भी इजी है, ज़्यादा भारी तो है नहीं लेकिन इजी है। हाँ सर जी, तो बहुत भारी लग रहा है सही, कौन चीज़ हमने लिखा हुआ, कुछ हो नहीं है, एक बार आपको हम क्या बोले, क्वेश्चन को संयम से पढ़िए, जब क्वेश्चन की लंबाई ज़्यादा रहेगा तो समझ लीजिए डाटा भी तो ज़्यादा रहेगा, और डाटा जितना ज़्यादा रहेगा अपना उतना फिल्म डाउनलोड करेंगे। देखिए देखिए डाटा मतलब वो नहीं कह लियो, गिव हैंड डाटा। तो देखिए sec x का मान आपको दिया हुआ है प्यारे बच्चों, sec x का मान माइनस टू बाय वन, नहीं कुछ है तो पाई का मतलब 180, 3 पाई बाय 2 का मतलब 270, 180 से 270 दिया हुआ है, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में है प्यारे बच्चों, कह रहा सर थर्ड क्वाड्रेंट, वेरी गुड। अब तो कह रहा sin x का मान निकालिए, देखिए sec होता है आपको ये सब बात पता है h बाय b, h का मान 2 b का मान 1, यू कह रहा सर माइनस का है छोड़ दिए, रे 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 तक एन तक है रही माइनस ने, कभी कर्ण का लंबाई निगेटिव होता है, माइनस इसलिए लगाए क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में टेन कोट पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, तेना लगा हुआ है। चल अब समझे, p का मान निकालने के लिए एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, एच का मान 2 का स्क्वायर और b का मान 1 का स्क्वायर, मिला जुला के 4, 4 में से 1 पार तो रूट 3 उतार, क्लियर। अब आइए साइन एक्स निकालना था, साइन एक्स होता है पी बाय एच, पी का मान रूट 3, एच का मान 2, और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस लगा लो आंसर यह हो, तो रूट 3 बाय 2 कहाँ है माइनस के साथ, राइट आंसर इज द बी, राइट आंसर कौन सा प्यारे बच्चों बी, किसी को दिक्कत है तो पूछिंग और नहीं तो इस सबको यू टी आर। फिर से हम लोग लेके आ रहे हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10, देखिए जरा 10, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अरे सर जी 10 नंबर में कुछ कुछ लग रहा है बुआ, यहाँ ऑप्शन वा नहीं था, थोड़ा सा अरेंज करके ऑप्शन वा को सेट उठ करके लाए हैं, आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए, ये 10 नंबर कैसा नहीं लग रहा है। कॉस थीटा का मान माइनस एक बटा दो और थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लिख दिया है, यही लिखा है कॉस थीटा और माइनस एक बटा दो और थीटा दूसरे चतुर्थांश में हो तब एस का मान बताया, एस का मान बहुत रसका पे चढ़ के बता देंगे, देखिए ना एस का, यहाँ ध्यान दीजिए हमारे पास कॉस थीटा का मान दिया है प्यारे बच्चों माइनस एक बटा दो, कॉस होता है बी बाय एच, इसका मतलब बी का मान 1 और एच का मान 2, इसका मतलब पी का मान तुम बता दो जल्दी से रूट 3 हाओ, क्लियर। अब आइए यदि कैसे स्पीड में बता दिए, अच्छा ले स्लो मोशन बताएं 0.5 स्पीड पे, देखिए एक बार कॉस थीटा बराबर माइनस एक बटा दो, यहाँ से b का मान 1 h का मान 2, अभी मत बोलना b का मान माइनस 1 कैसे हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड में cos निगेटिव होता है त्या कारण माइनस है, अभी मत बोलिएगा p का मान कैसे निकाले, p का मान बहुत हुल्का था आप सोच रहे होंगे ना कैसे, ध्यान दीजिए ना p का मान निकालने के लिए कुछ ना किए, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4 में से 1 गए तो रूट 3। अब यू कह रहा सर जी 0.5 मजा नहीं आ रहा है, आप ठीक थे चलिए ठीक है, तो पी बराबर रूट 3 क्लियर। अब आइए स्टार्ट मारते हैं, अगर साइन और टेन का मान निकाल के इसमें रख दे तो आंसर आ जाएगा,
तो साइन का मान निकालेंगे पहले। साइन थीटा होता है पी बाय एच, पी का मान रूट थ्री, एच का मान दो, और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव है। तो टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी, पी का मान रूट थ्री या बी का मान वन, थर्ड सेकंड में निगेटिव होगा, यानी क्या कि माइनस रूट थ्री रे बाबा, समझे कि नहीं। अब मान किसका निकालना प्यारे बच्चों, इसका, इसका जब मान निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे नाव, नाव का हिंदी होता है अब, यो कहता सर जी अब, अब नहीं रे अब। टू साइन थीटा प्लस टेन थीटा, दो के जगह दो साइन थीटा का मान रूट थ्री बाय दो, अब प्लस में टेन थीटा का मान माइनस रूट थ्री लो, दो से दो जो ऐसे ही हटा सावन की घटा, तो जीरो आ जो। अब ऑप्शन खोजिए जीरो, तो राइट आंसर जीरो जो है प्यारे बच्चों वो है आपका ए में, तो राइट आंसर टिक कर देंगे ए में आपका जीरो दिया हुआ, क्लियर। चलिए तो इसको आप फटाक से नोट कीजिए, हम तुरंत आ रहे हैं कौन चीज के लिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद इसी चैनल पर, तब तक के लिए बाय बाय।